दोस्तों, इंटरनेट ने जैसे हमारी रोज के जीवन को आसान बना दिया है, साथ में इंटरनेट की सुरक्षा को लेके बहुत सारे रिसर्चर्स की चिंता भी बढ़ा दिया है, क्योंकि इंटरनेट की इन टाइट सिक्योरिटीज को तोड़ना किसी किसी इंसान के लिए सिर्फ बाएं हाथ का खेल होता है। हैकर, साइबर क्रिमिनल्स, साइबर पायरेट्स, ये हर वक्त किसी न किसी प्रोटेक्टेड साइट को हैक करने की कोशिश में लगे रहते हैं। आज हम ऐसे ही 5 हैकर्स के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने अपने वक्त में पूरे इंटरनेट में आतंक मचा के रखा हुआ था। मगर उससे पहले दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अमेजिंग मिस्टेक पे। दोस्तों, ये हमारा नया चैनल है। इस चैनल में आपको मज़ेदार और दिलचस्प जानकारियाँ मिलती रहेंगी। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिले सबसे पहले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 5 पे हमारे पास है जोनाथन जेम्स। कॉमेट के नाम से मशहूर हुए जोनाथन ने मात्र 15 साल की उम्र में ही यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को हैक कर लिया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो 1980 में आई किताब तक को एक से प्रेरित है, जिसमें एक हैकर के साइबर अटैक के बारे में बताया गया था। साल 2000 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 6 महीने के लिए हाउस अरेस्ट पे डाल दिया गया, पर आदेशों के पालन ना करने के जुर्म में उन्हें फिर से 6 महीने के लिए जेल की सजा हो गई। साल 2007 में डिपार्टमेंटल स्टोर PJX में एक बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ और उस स्टोर के कई ग्राहकों के निजी जानकारी से छेड़छाड़ की घटना सामने आई। पुलिस को शक था कि इसमें जोनाथन का हाथ है। 2008 में जोनाथन ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। दोस्तों, नंबर 4 पे है एस्ट्रा। दोस्तों, इसके बारे में ज़्यादा जानकारियाँ उपलब्ध नहीं है, पर सूत्रों के हवाले से ये पता चला है कि वो एक 56 साल के ग्रीक मैथमेटिशियन है। उन्होंने 5 साल से फ्रांस के फेमस डसॉल्ट एविएशन से खतरनाक हथियारों का सीक्रेट और डाटा चुराया और फिर दुनिया में 250 लोगों को बेच दिया। इससे कंपनी को $360 मिलियन का नुकसान भी हुआ। 2008 में उन्हें पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। नंबर 3 पे है केविन पॉल्सन। 1983 में मात्र 17 साल की उम्र में दैव तंत्र के नाम से मशहूर हुए केविन ने पेंटागन के कंप्यूटर ARPANET को हैक कर लिया था, जिसके लिए अरेस्ट करने के बाद भी उन्हें नाबालिग होने के चलते सिर्फ वार्निंग देकर ही छोड़ दिया गया। फिर 1983 में ही केविन ने फेडरल कंप्यूटर को हैक कर लिया और अंडरग्राउंड हो गए। इस बीच केविन ने कई सारी सिक्योर साइट को हैक करके इंफॉर्मेशन की चोरी की और उन्हें दूसरे लोगों को बेच दिया और खूब सारे पैसे कमाए। 1990 में एक रेडियो शो में दिए गए प्राइज मनी के चलते उन्होंने उस लाइव शो को ही हैक कर लिया और जीत लिया, जिसमें उन्हें इनाम में एक स्पोर्ट्स कार, हॉलीडे ट्रिप और $20,000 की राशि मिली थी। जल्द ही वो पुलिस के हत्थे चढ़ गए और उन्हें 3 सालों तक कंप्यूटर के यूज से दूर रखा गया। इसके बाद केविन ने दुनिया की मदद करने का सोचा और पत्रकारिता में आ गए। उन्होंने वर्ल्ड, द डेली बीस्ट और अपने खुद के ब्लॉग थ्रेट लेवल में साइबर सिक्योरिटीज के बारे में बहुत सारी आर्टिकल लिखा और दूसरे हैकरों के साथ मिलकर सोशल जस्टिस और इंफॉर्मेशन के एकीकरण के लिए काम करने लगे। उन्होंने एडम स्वार्ट्स और जिम डॉलन के साथ मिलकर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेड्रॉप को विकसित किया, जो जर्नलिस्ट और सोर्स के बीच फ्रीडम ऑफ प्रेस फाउंडेशन का काम करता है। नंबर 2 पे है एनोनिमस हैकर ग्रुप। एनोनिमस का मतलब होता है अज्ञात। ये ग्रुप एक संगठन की तरह काम करता है और अनआइडेंटिफाइड होते हैं। ये कोई भी हो सकता है, आपके ऑफिस कॉलीग, आपके कॉलेज के दोस्त या आपके पड़ोसी। इन्हें पहचानना नामुमकिन है दोस्तों, और दुनिया के बड़े बड़े देश और वहाँ की सरकारें भी इनसे दूर रहना ही पसंद करते हैं। इनका मानना है कि इंटरनेट पे सबका बराबर अधिकार होना चाहिए और अगर कोई गलत करता है तो ये उन्हें छोड़ते नहीं। उदाहरण के लिए 2008 में समूह ने चर्च ऑफ साइंटोलॉजी से विवादों के चलते उनके वेबसाइट को शट डाउन कर दिया और उनके फैक्स मशीन को ब्लैक फोटो से ओवरलोड कर दिया, जिसके चलते गूगल पर उनकी सर्च रिजल्ट बुरी तरह से प्रभावित हुई। मार्च 2008 में एनोन्स के एक ग्रुप ने दुनिया भर में फेमस गाय फॉक्स मास्क के साथ चर्च ऑफ साइंटोलॉजी के सामने मार्चिंग भी की।
द न्यूयॉर्क के मुताबिक एफबीआई ने इनके कुछ साथियों को ट्रैक किया है, पर आइडेंटिफिकेशन ना होने के चलते इस समूह को रोक पाना असंभव हो जाता है। नंबर एक पे है सोलो के नाम से जाने जाने वाले कैरी मैकिनन। साल 2002 यूएस आर्मी कंप्यूटर में एक मैसेज आया जिसे देख के सारे लोग दंग रह गए। उसमें लिखा था, आपकी सुरक्षा प्रणाली बकवास है, मैं सोलो हूँ और मैं कभी नहीं रुकूंगा। बाद में पता चला ये कालिस्तानी गैरी की थी। वो स्कॉटलैंड के एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर थे। गैरी के ऊपर यूएस गवर्नमेंट के वेबसाइट को हैक करने के साथ साथ आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और यहाँ तक नासा के सिस्टम को हैक करने का भी आरोप है। गैरी ने कुल 97 कंप्यूटर्स को हैक कर लिया था, जिससे $7,00,000 का नुकसान हुआ। ऑफिशियल्स के अनुसार उन्होंने बहुत सारे क्लासिफाइड फाइल्स को डाउनलोड किया और नासा के इम्पोर्टेंट डेटा को डिलीट कर दिया। बाद में गैरी ने बताया कि वो सोलर एनर्जी, यूएफओ के स्ट्रक्चर और एलियन के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे थे। अब उन्हें वहां से क्या जानकारी मिली ये तो वो ही बता सकते हैं, पर आने वाले समय में एलियंस, यूएफओ और नासा के बहुत सारे सीक्रेट्स हमारे सामने आ सकते हैं। तब तक ये सिर्फ एक मिस्ट्री ही है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका फीडबैक हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी ऐसी हेल्दी नॉलेज मिलती रहे। हम जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा एंड टेक केयर।